ये कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जो जंगल में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने जाती हैं, मगर फिर ऐसी मुसीबत में फंस जाती हैं जहां उनके साथ रेप के साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है। मगर क्या वे इन सब से बच पाती हैं और लास्ट में क्या होता है, कहानी बहुत ही मिस्टीरियस है। फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो छुट्टियां बिताने के लिए शहर से दूर अपने एक लेक हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। इस फैमिली में तीन लोग होते हैं जिसमें लड़की का नाम मैरी होता है जो अपने पापा जॉन और मॉम एमा के साथ जा रही थी। उसके पापा पेशे से डॉक्टर थे। कुछ देर बाद वे उस लेक हाउस पर पहुंच जाते हैं। उनका ये लेक हाउस जंगल के बीचों बीच एक नदी के किनारे बना हुआ था। वहां वो लोग खूब मस्ती करते हैं। एक दिन मैरी अपनी मॉम से अपनी फ्रेंड की जनरल स्टोर की शॉप पर जाने के लिए कहती है। उसकी मॉम कहती है कि ये जगह उनके लिए नहीं है, इसीलिए उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके पापा उसे जाने की इजाजत दे देते हैं, साथ ही उसे कार की चाबी भी दे देते हैं। मैरी बहुत ही खुश होती है और वह अपनी फ्रेंड की शॉप पर चली जाती है। उसकी फ्रेंड पेज उसे देखकर बहुत खुश होती है। वे दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। वहीं जस्टिस नाम का एक लड़का उनकी बातें सुन रहा होता है। वह पेज के पास आकर उसे सीरियल का पैकेट मांगता है। पेज उस लड़के से उसकी उम्र पूछती है। वह कहती है कि अगर तुम 18 के हो तब तो मैं तुम्हें ये पैकेट दे दूंगी। जस्टिन कहता है कि अगर तुम मुझे ये दोगी तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए। वह बताता है कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली है। ये जानकर पेज मैरी के साथ जस्टिन के घर जाती है, जहां पेज जस्टिन के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है और मैरी उसका कार में इंतजार करती है। काफी देर बीत जाने के बाद जब पेज बाहर नहीं आती तो मैरी भी उस घर में चली जाती है। दरवाजे पर उसे एक पेपर की कटिंग मिलती है जिसमें एक आदमी की तस्वीर होती है जो कि एक क्रिमिनल होता है। वह और कोई नहीं जस्टिन का फादर होता है। मैरी इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती है तो वे देखती है पेज और जस्टिन स्मोकिंग कर रहे होते हैं। वे लोग मैरी को भी स्मोकिंग करने के लिए कहते हैं लेकिन मैरी मना कर देती है, लेकिन पेज के बार बार रिक्वेस्ट करने पर मैरी भी उनके साथ इंजॉय करने लगती है। जस्टिन अब उनका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। तीनों खूब इंजॉय कर रहे होते हैं तभी दरवाजा खुलता है और तीन लोग घर के अंदर आ जाते हैं जिसमें एक जस्टिन का फादर क्रैग था और एक उसका अंकल फ्रैग था। उनके साथ सैंडी नाम की एक लड़की भी होती है। क्रैग जस्टिन को मैरी और पेज के साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है। वह जस्टिन को एक जोरदार घूंसा मारता है और कहता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और तुम इन लड़कियों के साथ यहाँ मजे कर रहे हो। उनके इस व्यवहार को देखकर पेज और मैरी बहुत डर जाती है और वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन क्रैग उन्हें वहां से जाने नहीं देता। मैरी कहती है कि भरोसा रखो, हम तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वे लोग उनकी बात नहीं मानते। ये देखकर पेज बहुत डर जाती है और बाथरूम में जाकर पुलिस को फोन करने लगती है। इससे पहले कि वह पुलिस को कॉल कर पाती, फ्रैंक बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वह उसे धक्का देते हुए उसका फोन तोड़ देता है, साथ ही बाहर आकर मैरी का भी फोन तोड़ देता है जिससे कि वह पुलिस को फोन ना कर सके। मैरी जस्टिन से मदद मांगती है लेकिन जस्टिन मजबूर था, वह उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। इसके बाद वे लोग उन सभी को कार में बैठाकर कहीं ले जाने लगते हैं। ये दोनों लड़कियां बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। थोड़ी दूर जाने पर मैरी देखती है वे लोग उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उनका लेक हाउस है। मौका देखकर मैरी लाइटर से सैंडी पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से कार में ही उन सबके बीच हाथापाई होने लगती है जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह एक पेड़ से जा टकराती है। इस वजह से उन सबको बहुत ज्यादा चोट आती है, खासकर फ्रैग की नाक टूट जाती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह पेज और मैरी को पीटने लगता है। मौका देखकर पेज भागने लगती है और मैरी से भी भागने के लिए कहती है। क्रैग मैरी को पकड़ लेता है लेकिन पेज दूर निकल जाती है। उसे सामने एक फैक्ट्री दिखाई देती है और वह जोर जोर से आवाज देकर हेल्प मांगती है लेकिन वहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। तभी उसका पीछा कर रहे सैंडी और फ्रैग वहां आ जाते हैं। वे दोनों पेज को पकड़कर क्रैग के पास ले जाते हैं। क्रैग पेज से परेशान हो चुका था इसीलिए वह उसे उसी वक्त मार देता है। इसके बाद वह जस्टिन को मैरी के साथ रेप करने के लिए कहता है लेकिन जस्टिन ऐसा नहीं करता क्योंकि वह एक अच्छा लड़का होता है। इसके बाद क्रैग गुस्से में आकर खुद ही मैरी के साथ रेप करता है। इस वजह से मैरी को बहुत तकलीफ होती है और वह पूरी तरह से टूट जाती है। तभी मौका देखकर मैरी एक पत्थर से क्रैग पर वार करके वहां से भागती है। वे तीनों मैरी का पीछा करते हैं। मैरी नदी में छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है। वे लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं। मैरी उनकी गोलियों से बचते हुए दूसरे किनारे तक तो पहुंच जाती है।
तभी मैरी को एक गोली लग जाती है और वह डूब जाती है। उसे मरा हुआ समझकर वे लोग लौट जाते हैं, मगर वे सब भी घायल हो चुके थे। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। वे मदद के लिए पास के एक लेक हाउस की तरफ जाते हैं। ये लेक हाउस मैरी के फादर जॉन का ही था। हालांकि इन लोगों को ये बात पहले मालूम नहीं थी। ये लोग मैरी के फादर से हेल्प मांगते हैं। जॉन एक डॉक्टर होता है, इसीलिए वह फ्रैंक की नाक को ठीक करता है। साथ ही उन्हें गेस्ट हाउस में रुकने के लिए भी कहता है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। इधर जस्टिन की नजर मैरी की फोटो पर पड़ती है, तो वह समझ जाता है कि ये मैरी का ही घर है। उसे बहुत गिल्ट फील होता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। वह मैरी के फादर को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन क्रैक के सामने वह कुछ नहीं बता सकता था। जस्टिन के पास मैरी का लॉकेट होता है। वह उसे सभी से छुपाकर किचन में रख देता है, जिससे कि मैरी के घर वाले उसे देखकर समझ जाएं। इधर जॉन और एमा मैरी का फोन ना लगने पर बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी बच चुकी थी और किसी तरह अपने घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वह गिर जाती है। मैरी के फादर को दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज आती है, तो वे देखते हैं कि वहां पर मैरी है। वे दोनों मैरी की हालत देखकर बहुत घबरा जाते हैं। वे जल्दी से उसे अंदर ले जाते हैं। मैरी का ट्रीटमेंट करते हुए जॉन को पता लग जाता है कि मैरी के साथ जबरदस्ती हुई थी। उसी वक्त एमा को किचन में वो लॉकेट मिल जाता है, जिससे कि वह समझ जाते हैं कि मैरी की इस हालत के पीछे इन सभी लोगों का हाथ है। जॉन को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है और वह इन सभी से बदला लेने का फैसला करता है। वह एमा से इसके लिए तैयार होने के लिए कहता है। जॉन एक रूम में जाता है जहां बहुत से हथियार होते हैं। एमा किचन में होती है। अचानक से फ्रैंक उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर एमा डर जाती है। फ्रैंक कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही है, क्या एक बियर की बोतल मिलेगी। अचानक से एमा की नजर मैरी की तस्वीर पर पड़ती है। वह सोचती है कि कहीं फ्रैंक एमा की तस्वीर न देख ले, इसीलिए वह उसके पास आकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। एमा फ्रैंक से कहती है कि वह मेरे रूम में जाकर इंतजार करे। फ्रैंक उसकी बात मानकर बाहर आता है, तभी वह टेबल पर मैरी को देखता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एमा बियर की बोतल उसके सर पर मार देती है। यह देखकर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वह एमा पर अटैक कर देता है। उसी वक्त जॉन आ जाता है और फ्रैंक को देखकर उसका खून खौल उठता है। वे दोनों मिलकर उसका हाथ काट देते हैं और जॉन उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसका सर फोड़ देता है। उसके बाद वे दोनों गेस्ट रूम की तरफ जाते हैं, जहां क्रेग और सैंडी सो रहे होते हैं, लेकिन जस्टिन अभी भी जाग रहा होता है। उसके हाथ में एक गन होती है और वो गन जॉन को दे देता है। तभी सैंडी की नींद खुल जाती है, तो जॉन उसको शूट कर देता है। गोली उसे छूकर निकल जाती है। सैंडी भागकर बाथरूम में चला जाता है और क्रैग खिड़की से कूदकर एमा के घर की तरफ भागता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग उसे मार क्यों रहे हैं। इधर एमा और जॉन बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर सैंडी को पकड़ लेते हैं। एमा अपने हाथों से सैंडी को गोली मार देती है। इधर क्रैग जब अंदर आता है तो अपने भाई की लाश को देखता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि जॉन और एमा उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। तभी उनकी नजर मैरी की तस्वीर पर पड़ती है और वह सब कुछ समझ जाता है। उसी वक्त जॉन और एमा भी अंदर आ जाते हैं। जॉन और क्रैग में जोरदार फाइटिंग होती है। जॉन कमजोर पड़ने लगता है। उसी वक्त जस्टिन आकर अपने फादर पर गन पॉइंट कर देता है। क्रैग जस्टिन से गन छीनकर उसे पीटने लगता है। तभी एमा और जॉन मिलकर क्रैग पर अटैक कर देते हैं। वे दोनों मिलकर मैरी के गुनाहगारों को सजा देते हैं। वे दोनों क्रैग को अपंग करके उसका सर माइक्रोवेव में डालकर फोड़ देते हैं। इसके बाद जॉन और एमा जस्टिन और मैरी को लेकर दूर चले जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए एक लाइक करें और आगे भी ऐसी मस्त वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।